दोस्तों, ये जो करंट सिचुएशन है, ये जो लॉकडाउन है, ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। ये जो मेरी कविता है उसी का एक उदाहरण है। एंड दिस लॉकडाउन हैज़ पुट एवरीथिंग आउट ऑफ सिंक, बट देर इज़ अ पॉजिटिव साइड टू इट ऑल्सो। मैंने इसे आज की कुछ परिस्थितियों में ढालने की कोशिश की है। मुलायजा फरमाइए, मेरी कविता का शीर्षक है आफत से ही सही पर ये दिन याद आएंगे। गुम थी जो कई दिनों से पंछियों की वो मधुर आवाज़, गुम था जो कई दिनों से मस्त पवन का एहसास, सुन भी पाए और एहसास भी कर पाए, आफत से ही सही पर ये दिन याद आएंगे। जिंदगी की आपाधापी में कितनी बार ये सोचा कि परिवार के साथ बैठते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं, पर वो भागम दौड़ में कभी वक्त ही नहीं मिला। सब बातें जो इतने सालों से हमारे मन में थी, वो सब बातें जो कई बार सोची परिवार के साथ मिलकर करनी थी, वो सब बातें जो कई बार सोची परिवार के साथ मिलकर करनी थी, सोच भी पाए कर भी पाए, आफत से ही सही पर ये दिन याद आएंगे। अमेजिंग। सोचता हूँ कि आज की जनरेशन बिना जंक फूड के, फास्ट फूड के कैसे रह सकती है। कभी सोचा ना था कि बिना जंक फूड के जी लेंगे, कभी सोचा ना था बिना ऑफिस जाए काम कर लेंगे, कभी सोचा ना था ऐसे ही खुद को सोचने के लिए मजबूर कर लेंगे। सोच भी पाए और कर भी पाए, आफत से ही सही पर ये दिन याद आएंगे। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपने घर में ही मेहमान की तरह रह रहा था। वो घर के कोनों में पड़ी हर चीज़ को महसूस करना, वो बिना घड़ी को देखे ही समय को एहसास करना, सोच भी पाए और कर भी पाए, आफत से ही सही पर ये दिन याद आएंगे। कमाल है, ये फैमिली के साथ बॉन्डिंग कब हुई पता ही नहीं चला। वो जो कभी ना महसूस हुआ ऐसा परिवार का प्यार, वो भारतवर्ष की एकता का एहसास, वो घर में बैठे बैठे देश के लिए कुछ कर जाने का एहसास, डॉक्टर, पुलिस और सभी सेवाभावी लोगों में भगवान को पाने का एहसास, सोच भी पाए और कर भी पाए, आफत से ही सही पर ये दिन याद आएंगे। इस लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुई कि हम ही अकाउंटेबल हैं इस एनवायरनमेंट के लिए, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ही जिम्मेवार थे और हम ही जिम्मेवार हैं। ये बात महसूस करने का एहसास, 21 दिन की चुनौती का एहसास, रावण बने कोरोना का एहसास, हर दशानंद को हरा देने का एहसास, सोच भी पाए और कर भी पाए, आफत से ही सही पर ये दिन याद आएंगे। व्यस्त हूँ व्यस्त हूँ ये बोल बोल कर जीते थे, व्यस्त हूँ ये बोल बोल कर जीते थे, मेरे काम मेरी उपलब्धियाँ ये बोल बोल के मरते थे, अपने आप से रूबरू होने का एहसास, आफत सही सही पर ये दिन याद आएंगे। मिट जाएगा अंधेरा होगा सवेरा, मिट जाएगा अंधेरा होगा सवेरा, मन का एहसास कहता है कि ये आफत फिर कभी ना आएगी, मन का एहसास कहता है कि ये आफत फिर कभी ना आएगी, घर कभी वापस आई तो ये सीख कमज़ोर ना पड़ने पाएगी, सोच भी पाए और कर भी पाए, आफत से ही सही पर ये दिन याद आएंगे। दोस्तों, क्राइसिस हैज इट्स ओन वे टू ब्रिंग ह्यूमैनिटी टुगेदर एंड देन द ह्यूमन काइंड, द मैन काइंड, दे इमर्ज मच मोर स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों, याद रखिए, जंग अभी जारी है, अपनी जीत की बारी है, और ये जो दिए हमने कल जलाए थे ना, ये हमारी अंतरात्मा को बताते हैं कि बेशक आज अंधेरा है पर प्रकाश का आना तो तय है, और ये प्रकाश उस अंधे की ताकत को बता रहा है कि मैं तो आकर रहूंगा। एट द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, कमाल है दोस्तों, आफत से ही सही पर देखना ये दिन बाद में याद आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।